योगी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ATS की नई यूनिट बनाने का बड़ा फैसला लिया, तो सियासत आतंकवाद से होते हुए तालिबान तक पहुंच गई। सबसे पहले आपको बताते हैं योगी सरकार का वो फैसला जो आने वाले वक्त में सूबे के सियासी माहौल को गर्म कर देगा। योगी सरकार ने यूपी के कई इलाकों में ATS की नई यूनिट बनाने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत देवबंद से होगी। देवबंद के अलावा मेरठ, जेवर, बहराइच और श्रावस्ती में नई यूनिट खुलेगी। यूनिट खोलने के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। पूरा खाका जरूरत और जमीन के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। जहां पर ज्यादा जमीन मिलेगी वहां कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। वहीं कई इलाकों में स्पॉट यूनिट और नॉर्मल यूनिट को तैयार किया जाएगा। ATS के द्वारा विभिन्न जगहों पर भूमि का चयन करके भूमि अधिग्रहित भी की गई है, जिसमें कि मेरठ, इंडो नेपाल बॉर्डर पर बहराइच, श्रावस्ती तथा आने वाले नए जेवर एयरपोर्ट, देवबंद तथा अन्य महत्वपूर्ण जगहों पे, जो कि ऑपरेशनल दृष्टिकोण से आवश्यक तथा संवेदनशील है, यहाँ पर ATS की नई यूनिट खोली जा रही है। देवबंद के कमांडो सेंटर से देवबंद, सहारनपुर, मेरठ तक का एरिया कवर हो सकेगा। मेरठ में भी ATS की स्वॉट टीम पहले से ही तैनात है। इसके अलावा ATS की एक टीम नोएडा में हर वक्त रहती है, लेकिन नोएडा के जेवर और देवबंद में ATS के दो कमांडो सेंटर बनने से पश्चिमी यूपी का पूरा एरिया कवर हो जाएगा, जिससे संदिग्ध आतंकियों पर नजर रखने और उनके छानबीन में ATS को आसानी होगी। आदरणीय योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में, आदरणीय जी योगी जी के नेतृत्व की सरकार आज ATS का गठन कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को सुरक्षित भी रखना है। एक देवबंद ही नहीं, कोई भी बंद हो वहां खोल देंगे हम जाके। ATS खोलने में हमें कितनी देर लगती है? मामला आतंकवाद पर चोट और ATS को मजबूत करने का था, लेकिन सियासत तालिबान तक पहुंच गई, जिसकी शुरुआत शलभमणि त्रिपाठी के ट्वीट के साथ हो गई। तालिबान की बर्बरता के बीच यूपी की खबर भी सुनिए। योगी जी ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में ATS कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। युद्ध स्तर पर काम शुरू भी हो गया है। प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार ATS अफसरों की यहां तैनाती होगी। देवबंद को अगर ATS का कमांड सेंटर बन रहा है तो उसको गलत भाव से कोई अलग प्रकार से नहीं देखा जाना चाहिए। देवबंद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां पर इस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। जहां संदिग्ध गतिविधि है वहां पे कमांड सेंटर बनेगा तो इसका वेलकम होना चाहिए, इसके लिए बधाई देना चाहिए, तो और अच्छी बात। यूं तो देवबंद या यूपी के किसी शहर का कोई तालिबान कनेक्शन नहीं है, लेकिन सूबे का मौसम सियासी हो चला है। ऐसे में सरकार और विपक्ष आर पार के लिए तैयार है। योगी सरकार के इस फैसले को विरोधी सीधे यूपी चुनाव से जोड़ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि सरकार माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल सरकार ने सियासत के बीच तेज